तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। वो बीते दो दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ताबड़तोड़ चार रैलियां की और शाम को अचानक गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों मिशन गुजरात पर हैं और गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का बीड़ा उन्होंने खुद ही उठा रखा है। रविवार को चुनावी सभाएं खत्म करने के बाद पीएम सीधे गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की और चुनावी मैदान में जीतने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चार बड़ी चुनावी रैलियां की। गुजरात में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत गिर सोमनाथ के वेरावल से की। इसके बाद वो धोराजी, अमरेली, फिर बोटाद में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील भी की। पीएम मोदी ने रैली के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बार, रविवार की ही तरह आज भी पीएम मोदी गुजरात के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वहीं अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान सोमनाथ की पूजा की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार से पहले सोमनाथ मंदिर जाकर पुरोहितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया, भगवान का जलाभिषेक किया और भगवान से चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचते ही पीएम ने वहां मौजूद पुजारियों का अभिवादन किया, फिर उन्होंने मंदिर के प्रांगण में कुल पल बिताए, मंदिर परिसर का दौरा किया। प्रधानमंत्री के सोमनाथ मंदिर पहुंचने पर पुजारियों के साथ साथ वहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर से पीएम मोदी और बीजेपी का खासा लगाव रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है। पहले भी वो कई बार सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं और कल भी उन्होंने पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा की और फिर चुनावी रैलियों और रोड शो की तरफ रुख किया।